गुजशत वर्ष मई में गैर मुल्की शख्स से शादी के बंधन में बंधने वाली अदाकारा मदीया इमाम ने एक बार फिर वजाहत की है कि इनके शोहर हिंदू नहीं है मदीया इमाम ने शादी की पहली सालगिरह पर हाल ही में इंस्टाग्राम पर शोहर के हमरा मुखसर वीडियो शेयर की जिस पर जहां शोब शख्सियात ने इनके लिए नक ख्वाहिशात का इजहार किया वहीं वहींफिन ने इन्हें आड़े हाथों भी लिया मदाहों ने एक बार फिर मदीह इमाम की पोस्ट पर नफरत अंगेज कॉमेंट करते हुए इन्हें गैर मुल्की और गैर मुस्लिम शख्स से शादी करने पर आड़े हाथों लिया जब

एक मदा ने इनकी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि अदाकारा खुद सैयद घराने से ताल्लुक रखती हैं और क्या सैयद घराने की खातून किसी हिंदू से शादी कर सकती है मस्कुरा मदा के सवाल पर अदाकारा ने वजाहत करते हुए लिखा कि वो लाखों बार पहले भी वाजे कर चुकी हैं कि इनके शोहर हिंदू नहीं हैं मदिया इमाम ने मजीद लिखा कि इनका निकाह भी हुआ था और अब बर मेहरबानी करके ऐसी बातें करना बंद करके पुरसकून हो जाए साथ ही अदाकारा ने सार्फिन से इल्तजा की कि वो किसी भी अकायद रंगो नस्ल पर तनकीद करना या सवाल उठाना बंद करें ख्याल रहे मदिया इमाम ने मई दो हजार तेईस के पहले हफ्ते में इंस्टाग्राम पोस्ट में शादी की तस्दीक करते हुए बताया था कि रिश्ता अजदवाज में बंधी इनकी शादी मुत्यादा अरब इमारत में हुई थी इनके शौहर का नाम मोजी बसर है जो भारतीय अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं शादी की तस्दीक के तकर नवंबर दो हजार 2023 में मदिया इमाम और मोजी बसर के वलीमे की तक अरुणाचल प्रदेश में मुनद की गई थी जिसके तस्वीर और वीडियोस भी अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी मधिया इमाम पहले भी अपने शोहर के मजहब पर वजाहत कर चुकी हैं और बता चुकी हैं कि वो हिंदू नहीं हैं और दलील देती रही हैं कि इन्होंने निकाह किया था